बोगीबील ब्रिज भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है, जो दक्षिण में डिब्रूगढ़ को उत्तर में धेमाजी से जोड़ता है। ये पुल शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में फैला है और लगभग 4.94 किलोमीटर लंबा है। पुल का निर्माण 21 वर्षों की अवधि में 2002 से 2018 तक लगभग 5,900 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बोगीबील ब्रिज भारत में सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है और एशिया में दूसरा सबसे लंबा भी है। पुल में एक डबल डेकर डिजाइन है, जिसमें ऊपरी डेक में दो लेन की सड़क है और निचले डेक पर रेलवे ट्रैक है। बोगीबील पुल का अत्यधिक सामरिक महत्व है, क्योंकि यह पड़ोसी बांग्लादेश को पार किए बिना असम और अरुणाचल प्रदेश को शेष भारत से जोड़ता है। ये यात्रा के समय को कम करता है और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। पुल का निर्माण अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके किया गया है। ब्रिज पियर्स प्रबलित कंक्रीट ढेर पर स्थापित होते हैं, जो दुनिया में सबसे लंबे हैं। पुल का अधिरचना स्टील ट्रस से बना है, जो इसे भूकंप और तेज गति वाली हवाओं के लिए प्रतिरोधी बनाता है। पुल के निर्माण से पहले डिब्रूगढ़ से धेमाजी तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगभग 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब पुल के बन जाने से यात्रा का समय घटकर मात्र 30 मिनट रह गया है। पुल के निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए, विशेषकर स्थानीय लोगों के लिए। निर्माण प्रक्रिया में इंजीनियरों, मजदूरों और कुशल श्रमिकों सहित 10,000 से अधिक लोग शामिल थे। पुल के निर्माण के दौरान पर्यावरण पर इसके प्रभाव, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के जलीय जीवन पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई थी। हालांकि पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए गए थे और पुल का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को कोई महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाए बिना किया गया। पुल ने असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाकर क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बेहतर बनाने में मदद की है। इससे इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी वृद्धि हुई है। बोगीबील ब्रिज एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है, खासकर इंजीनियरिंग के प्रति उत्साही लोगों के बीच। पुल से ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है और आगंतुक पुल के निचले डेक पर चलने वाली ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं। ऐसे ही चीजों पर समय पर अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।